साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, और उस खबर के बाद मुंबई में हलचल बढ़ गई है, बवाल खड़ा हो गया, यहाँ तक कि खलबली मची है, क्योंकि आदित्य ठाकरे नजर नहीं आ रहे। एक या फिर दो दिन नहीं बल्कि पिछले 3 दिन से वो नजर नहीं आए हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान मामले की जाँच कर रही है SIT ने, तो कहीं हिरासत में नहीं ले लिया है, क्योंकि पिछले 3 दिन से सिर्फ आदित्य ठाकरे के ट्वीट नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस दिख रही है, लेकिन सामने फिजिकली वो दिख नहीं रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम में नजर नहीं आए। तो ऐसा क्या हो गया, अचानक कहां गायब हो गए छोटे ठाकरे, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में आदित्य ठाकरे को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि वो नजर ही नहीं आ रहे। वैसे तो लगातार हर दिन किसी न किसी जगह पर किसी न किसी वजह से आदित्य ठाकरे बाहर पब्लिक प्लेस में आते रहे हैं, लेकिन इस बीच वो दिख नहीं रहे हैं। एक या फिर दो नहीं बल्कि लगातार 3 दिन से आदित्य ठाकरे किसी भी प्रोग्राम में नजर नहीं आए, जिसके बाद भयानक बवाल मच गया, क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। असल में सबसे बड़ी खबर और चर्चा इसी बात की है कि कहीं आदित्य ठाकरे को हिरासत में तो नहीं ले लिया गया, क्योंकि 3 दिन से वो नजर नहीं आए, और लगातार ये बातें आ रही हैं कि आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान मामले की जांच कर रही SIT समन भेजने जा रही थी, पूछताछ की बात भी हो रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको हिरासत में ले ही लिया गया हो, पूछताछ हो रही हो, क्योंकि वैसे भी खबर ये तक है कि दिशा सालियान मामले की जांच कर रही है SIT, सीक्रेट जगह पर पूछताछ कर रही है, सीक्रेटली लोगों को बुला रही है, सीक्रेटली समन भेजे जा रहे हैं, और अलीबाग के आसपास सीक्रेट जगह पर उन लोगों से पूछताछ हो रही है जो कि दिशा के आसपास थे, जो दिशा मामले में एक तरह से सवाल जिन पर खड़े हो रहे थे, उन लोगों से पूछताछ हो रही है। शक इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि पिछले 3 दिन से आदित्य ठाकरे को बयान तो आ रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर के जरिए आ रहे हैं, उनके ट्वीट्स लगातार आ रहे हैं, लेकिन खुद आदित्य ठाकरे कहीं दिख नहीं रहे। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे की कहानी बताने से पहले आपको बता दें कि अक्सर राजनेताओं के ट्विटर या फिर कोई भी सोशल मीडिया हैंडल के लिए हैंडलर रखे जाते हैं, यानी कि राजनेता खुद ट्वीट या फिर फेसबुक पर वीडियो नहीं डालते हैं, बल्कि इसके लिए लोग रखे जाते हैं, पूरी टीम काम करती है, और उनके पास लॉगिन ID से लेकर पासवर्ड्स भी होते हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि आदित्य ठाकरे की सोशल मीडिया टीम उनके सोशल अकाउंट को तो हैंडल कर रही है, ट्वीट भी कर रही है, वीडियोस भी डाल रही है, लेकिन वो खुद कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं वो नए साल के जश्न के लिए कहीं बाहर तो नहीं चले गए, क्योंकि अक्सर आदित्य ठाकरे पर पार्टीबाज होने और बॉलीवुड पार्टीज को पसंद करने वाला शख्स होने के आरोप लगाए जाते रहे, आरोप BJP लगाती रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार किसी विदेश में पार्टी मनाने चले गए हों, क्योंकि देश में अगर पार्टी मनाएंगे तो वहां पर तो नजर आ जाएंगे, पकड़ में भी आ जाएंगे, और इसीलिए किसी को कानो कान खबर ना हो, किसी को पता ना चले, इसीलिए सोशल मीडिया से ट्वीट्स आ रहे हैं, और हो सकता है, बहुत ज्यादा संभव है कि वो खुद कहीं पार्टी के लिए या फिर किसी और वजह से विदेश चले गए हों और इसीलिए खुद नजर नहीं आ रहे। अब यहाँ पर एक तीसरी वजह भी दिख रही है, वो भी नजर आ रही है, और वो ये है कि आदित्य ठाकरे को हो सकता है कि घर पर ही रहने के निर्देश दिए गए हों, क्योंकि उनके बयान अक्सर उनके पिता उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना UBT के लिए मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं, लिहाजा हो सकता है कि उनसे अपना मुंह बंद रखने को कहा गया हो। अब पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो कुछ न कुछ सवाल पूछा जाएगा, कुछ न कुछ वो बोलेंगे, और उससे बवाल खड़ा हो जाता है, तो हो सकता है कि इसी वजह से उनसे घर पर रहने को कहा गया हो, ये भी संभव है। अब जो भी, लेकिन ये साफ है कि आदित्य ठाकरे गायब है, 3 दिन से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, अगले 3 दिन भी नजर नहीं आने वाले, लेकिन ट्वीट्स सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस लगातार दिख रही है। तो ऐसे में आपका क्या कहना, क्या हो सकती है वजह, आखिर कहां हो सकते हैं आदित्य ठाकरे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।